नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे छतरपुर की, जहां पुरानी रंजिश को लेकर चली गोली, साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां बालाबेहट में नेटवर्क नहीं आने से बैंक कार्य बाधित रहता है, और बताएंगे कि कैसे उतरौला में अधिकारियों के विवाद के कारण दुकानें लोगों को आवंटित नहीं की जा सकी। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। छतरपुर की ओर आ रहे युवक को तीन लोगों ने मारी गोली। युवक पर लगी गोली, घायल युवक को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। छतरपुर के ओरछा रोड थाना अंतर्गत ग्राम रिक्शापुरवा के पास तीन आरोपियों ने विक्रम सिंह बुंदेला नामक युवक को गोली मार दी। घायल युवक विक्रम सिंह बुंदेला ने बताया कि पुरानी बुराई के चलते डग्गी राजा, बॉबी राजा, राशु राजा और रजऊ राजा ने मोटरसाइकिल से आकर मेरा रास्ता रोका और गाली गलौज करते हुए गोली मार दी। आपको बता दें कि गोलीबारी की घटना में घायल हुए युवक को देखने एसपी अगम जैन जिला चिकित्सालय छतरपुर पहुंचे और घायल युवक का हालचाल जाना। एसपी अगम जैन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ओरछा रोड थाना अंतर्गत गोलीबारी की घटना में विक्रम सिंह बुंदेला नामक युवक घायल हुआ, जिसका उपचार चल रहा है और शीघ्र ही आरोपियों को राउंड अप किया जाएगा। जी जी, कहाँ के रहने वाले हो? घटना कहाँ हो गई? पुरानी के रहने वाले, घटना कौन लोग थे वो? जी डग्गी राजा और बॉबी राजा, रजऊ राजा और राशु। हम अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे, उन्होंने हम घर से अपने ड्यूटी पे जा रहे थे। हाँ, कलानी से। हाँ, कारण हमारा लड़ाई झगड़ा। हाँ, वो चार लोग थे, उन्होंने हमको रोका और बोले रुक मारा चोर, तो हम रुके और ने हमको गोली चलाई तो उनके मैस हो गए। फिर डग्गी राजा ने हमको गोली मारी, छाती में मारी तो हमने उसको लपड़ पड़े तो हाथ मारा तो पैर में लग गई मारी। हाँ, हम अस्पताल में। ओरछा रोड थाना अंतर्गत एक गांव में इस प्रकार की घटना सामने आई है, तो अभी पूछताछ की है, बात की है, आरोपियों के नाम सामने आए हैं और शीघ्र ही हमारी टीम कार्रवाई करके उनको अरेस्ट करेगी। पैर में जांग के पास में गोली लगना भी पता है, पट्टी चढ़ी हुई थी तो डॉक्टर्स ने यहाँ पे इलाज किया है, तो हम लोग भी तस्दीक कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टया हमारी टीम पूरा चेक कर रही है, संभवतया तीन आरोपी हैं और कार्रवाई करेंगे। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बालाबेहट में नेटवर्क नहीं आने से ग्रामीण काफी परेशान है। यहाँ एयरटेल कंपनी के लगे टावर पर नेटवर्क नहीं आने से क्षेत्र के लोग काफी परेशान रहते हैं। यदि यहाँ की आबादी की बात करें तो यहाँ की आबादी लगभग 40,000 के आसपास होने के बावजूद भी इस क्षेत्र में और कोई दूरसंचार की सुविधा नहीं है। एकमात्र एयरटेल कंपनी का टावर है जो आए दिन बंद रहता है, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल खर्च की बात करें तो प्रत्येक परिवार में कम से कम 30 रुपये दिन का खर्च मोबाइल के लिए किया जाता है। इसके बावजूद भी लोगों को नेटवर्क की समस्या से जूझना पड़ रहा है। निकालने के लिए बहुत परेशान होती है, खर्च के लिए परेशान होती है। जैसे टावर नहीं आता तो बैंक का कार्य आज सुबह से बाधित है, सुबह से कोई कार्य नहीं हुआ आज बैंक में, अभी ना जाने कब तक नहीं हुआ। कितने टावर लगे यहाँ पर? यहाँ सर टावर तो लगे यहाँ पर तीन, लेकिन दो टावर सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। एक BSNL का तो बहुत चालू नहीं हुआ है और एक है रिलायंस का, तो वो बहुत पहले चालू किया था, अब बंद पड़ा है। लगभग कितनी आबादी होगी इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की लगभग होगी 50,000 से ऊपर होगी, 50,000 70,000 की लगभग, 50-60,000 की लगभग है। यहाँ पर मात्र एक एयरटेल का टावर है और बालाबेट क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर इस पर कभी कभार नेटवर्क आते हैं, आए दिन बहुत लोग परेशान होते हैं, मोबाइल नहीं चलते हैं, और यहाँ पर दूसरा टावर लगवा जाए और यहाँ की व्यवस्था सुचारू करवाई जाए। क्या नाम है आपका? राम शंकर पारा सर। कहाँ के रहने वाले? बालाबेट की। ललितपुर से सीनियर संवाददाता महेश की रिपोर्ट। पन्ना टाइगर रिजर्व के बाघ इन दोनों सड़कों पर घूम रहे हैं। एक वयस्क बाघ नेशनल हाईवे 39 पर पहुंच गया है और दहाड़ते हुए राहगीरों के सामने से निकला। ये दृश्य देखकर लोग अचंभित रह गए, पर्यटकों ने वीडियो भी बनाया। नेशनल हाईवे से गुजर रहे राहगीरों का बनाया ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है।
आपको बता दें कि रास्ते में एक जंगली भालू भी देखा गया है, जिसका भी वीडियो वायरल हो रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व में साल 2009 में बाघों की संख्या शून्य हो गई थी और बाहर से लाकर जो बाघ बसाए गए उनकी संख्या इस तरह बढ़ी कि अब 110 से ज़्यादा हो गई है। अब नेशनल हाईवे में ये बाघ घूम रहे हैं। दुनिया का पहला सफल प्रयोग रहा जो टाइगर रीलोकेशन के बाद अब संख्या 110 के आसपास हो गई है। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। शासन ने उतरौला कस्बे में फल एवं सब्जी मंडी स्थल पर 18 दुकानों का निर्माण 40 वर्ष पहले कराया था, परंतु अधिकारियों के विवाद के कारण दुकानों का आवंटन नहीं हो सका। अब आदर्श नगर पालिका परिषद उतरौला ने इसे कबाड़ का गोदाम बना दिया है। सरकार ने उतरौला कस्बे में 50 लाख रुपए खर्च करके बस स्टेशन उतरौला के बगल फल एवं सब्जी मंडी का निर्माण कराया। इसका निर्माण नगरीय विकास अभिकरण फैजाबाद ने कराया था। इस पर अधिकारियों ने 18 दुकानों के निर्माण के बाद नीलामी के द्वारा दुकान का आवंटन करने का आदेश जारी किया। अधिकारियों के आदेश पर आदर्श नगर पालिका परिषद उतरौला ने दुकान आवंटन के लिए नीलामी का इश्तेहार जारी किया, परंतु काफी ऊंची दाम का निर्धारण अधिकारियों द्वारा किए जाने से दुकान की नीलामी नहीं हो सकी। थक हार कर अधिकारियों ने इस दुकान को किराए पर आवंटित करने का निर्देश नगर पालिका परिषद उतरौला को दिया। किराए पर दुकान आवंटित करने के लिए नगर पालिका परिषद उतरौला ने अखबारों में इश्तेहार जारी किया और नगर में डुग्गी मुनादी कराई, लेकिन दुकान का किराया काफी ऊंचा होने से किसी व्यक्ति ने दुकान नहीं ली। दुकानों का आवंटन ना होने से दुकान 4 दशक में बंद पड़ी है। मजबूरन आदर्श नगर पालिका परिषद उतरौला ने इसके परिसर को कबाड़ खाना बना दिया है। अब नगर पालिका परिषद उतरौला की पुरानी गाड़ी व कबाड़ हो गए सामान। बता दें कि खराब पड़े ट्रॉली व अन्य सामान को इसमें रखना शुरू कर दिया गया है। उतरौला से सीनियर संवाददाता कमल की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।